ये हेलो ब्लेम कर रहे हैं, ठीक है। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। फर्स्ट ऑफ ऑल आप सबको मेरी तरफ से सरस्वती पूजा का हार्दिक शुभकामनाएं। फाइनली मैं हो चुका हूँ रेडी। तो कैसा लग रहा है मेरा गेटअप, आप देख सकते हैं नीचे से ऊपर तक। तो नीचे जीन्स पहना हूँ ब्लैक, यहाँ पे ऑरेंज कलर का कुर्ता और यहाँ पे कोट। तो कैसा लगा मुझे बताइए। ये ज़बरदस्त लग रहा है ना। और ये जो मेरा चश्मा है, कॉन्टेक्ट लेंस है, ये मैंने कल ही जो है बनाया, तो न्यू कॉन्टेक्ट लेंस। तो कैसे लगे वाला कॉन्टेक्ट लेंस मुझे वो भी कमेंट में बताइए। तो आज है सरस्वती पूजा, तो अभी मैं हो चुका हूँ चकाचक रेडी नीचे से ऊपर तक। कैसे लग रहा है वो बताइए। अभी हम निकलेंगे तो टाइम भी हो रहा है, हम देख सकते हैं 1:45 हो रहा है, 35 हो रहा है। सो अभी हम लोग जाएंगे इको पार्क, तो काफ़ी मज़ा आने वाला है। तो आप लोग का बने रहिएगा वीडियो पे, काफ़ी मज़ा आने वाला है, काफ़ी जो है इंजॉय करने वाले हैं और पूरा जो है वीडियो आप लोगों को देखने के लिए मिल जाएगा। सो फाइनली मैं DLF 1 आ चुका हूँ। तो यहाँ से हमें इको पार्क जाने के लिए बस से जाना पड़ेगा। तो आज का मौसम भी काफ़ी तगड़ा हो रखा है, क्योंकि आज सरस्वती साक्षात निकलेगा, इसीलिए बारिश नहीं हो रहा था। कल तक बारिश हो रहा था, बट आज जो है काफ़ी मौसम सही है। और बाकी जो है हम लोगों का जो टीम ऑलरेडी पधार चुके हैं उधर, आप देख सकते हैं। बाकी हम लोगों को मिलाते हैं हम लोगों से, और मेरा लुक कैसा है वो भी मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। हम लोग का इधर आ चुके हैं 5 जन और मैं 1 जन से 1 जन। तो बाकी और 2 जन का ड्यूटी है, तो वो लोग बोला कि 3 बजे वो लोग का ड्यूटी ख़त्म होगा, तो 3 बजे की बाद वो लोग आएगा इको पार्क। तो अभी हम लोग यहाँ पे बस के लिए वेट कर रहे हैं, तो इनसे हमें इको पार्क का बस तो मिलेगा। तो बाकी आज का मौसम तो काफ़ी ज़बरदस्त है, धूप खिला हुआ है, क्योंकि कल तक बारिश हो रहा था। आज सरस्वती पूजा स्पेशल धूप है, और हम लोग का बस आ चुका है इको पार्क का। तो अभी हम लोग जाएंगे इको पार्क। भीड़ है ना, वो वाला बस से हम लोग नहीं गया, क्योंकि काफ़ी हद से ज़्यादा भीड़ हो रखा था। भीड़ की वजह से हम लोग नहीं जाए, क्योंकि इतना भीड़ पे अच्छा नहीं लगता है। सीट तो है नहीं, सीट तो छोड़िए सीट की बात, बाकी जो है खड़ा होकर जाना पड़ेगा, इसलिए हम लोग वेट कर रहे हैं। बाकी हम देखते हैं दूसरा बस मिलेगा तो दूसरा बस से जाएंगे। और बाकी लोगों को देखिए, इधर है 2 जन, यहाँ पे है 3 जन सरस्वती, और बाकी जो आप लोगों को ये पार्क में देखने के लिए मिल जाएगा काफ़ी सारा सरस्वती। तो चलिए चलते हैं और हम लोगों को दिखाते हैं। इन्हें वेट करने की बात, बस तो नहीं आ रहा था, हम लोग छोटा गाड़ी से जा रहे हैं अभी फ़िलहाल, जो है यही गाड़ी से जाना पड़ेगा। कारण तो मैं तो काफ़ी भीड़ है, इस वजह से हम लोग छोटा गाड़ी से जा रहे हैं। यहाँ पे थोड़ा भाड़ा ज़्यादा है, बट बैठ के जा सकते हैं, लेकिन आज आज का डेट में सीट नहीं मिलेगा, और सपने में भी नहीं मिलेगा। 1 जन और बाकी 4 जन उधर बैठा हुआ है, और हम लोग अभी निकल रहे हैं इको पार्क के लिए। तो फाइनली पहुंच गए हम लोग इको पार्क। तो बाकी लोग पीछे हैं, अभी टिकट करेंगे। तो टिकट का एक जुगाड़ करना पड़ेगा, क्योंकि उस बार भी आया था सिक्योरिटी गार्ड को पैसा देके अंदर जाने के लिए, क्योंकि सिक्योरिटी गार्ड को भी थोड़ा पैसा मिल जाता है, ऑन हो जाता है। तो क्योंकि देखिए लाइन देखेंगे तो आपका दिमाग ख़राब हो जाएगा, इतना बड़ा लंबा लाइन होकर रखा है ना आज, क्योंकि आज सरस्वती पूजा है। और लाइन देखिए टिकट का, काफ़ी ज़्यादा लाइन हो रखा है। तो ये लाइन है पूरा, वो टिकट काउंटर उस साइड में है, आप लोगों को दिखाता हूँ मैं नज़दीक से। तो और माहौल तो आप देख ही सकते हैं, माहौल सरस्वती सरस्वती चारों ओर है, काफ़ी लंबा लाइन है। तो अभी लाइन पे नहीं लगेंगे हम लोग, हम थोड़ा जुगाड़ करके अंदर जाने की कोशिश करेंगे फिलहाल। अभी तो जाते हैं, जाके देखते हैं जुगाड़ हो पाता है कि नहीं। जुगाड़ हो गया मेरा, अभी उन लोगों को लाने के लिए जा रहे हैं। तो
टिकट की लाइन तो आप देख चुके हैं काफ़ी ज़्यादा लाइन, उन लोगों को बुलाओ, जुगाड़ हो गया मेरा 150 रुपया में, हम लोग निकल जाएंगे अंदर। अभी मिशन सक्सेसफुल, हमारा मिशन सक्सेसफुल हो गया है। आप देख सकते हैं लाइन, कम से कम 200 लोगों का लाइन छोड़ के हम लोग आ गए हैं अंदर। तो ये एक सीक्रेट टिक है, तो ये मैं आप लोगों से शेयर कर रहा हूँ आज। तो यदि आप लोगों को ऐसा भीड़ दिखे कभी भी, स्पेशली ओकेशन पे, कोई भी ओकेशन में ऐसा कोई आपको भीड़ देखे, 200-150 का जो भीड़ देखे, तो आप जाके चुपके से सिक्योरिटी से बात करिए और आराम से अंदर आ जाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बाकी हम लोग अभी अंदर आ चुके हैं सब कोई। तो यहाँ पे हम लोग का सरस्वती, और बाकी देखिए यहाँ पे चारों ओर थोड़ा नजर डाली है, आज सरस्वती के अलावा और कुछ नहीं दिखेगा, आज सरस्वती सरस्वती। थोड़ा लेक की उधर जाते हैं, थोड़ा ठंडा ठंडा हवा खाते हैं, वो जो हमारा सरस्वती दीदी भी है। तो काफ़ी तगड़ा हो रखा है आज मौसम, क्योंकि मौसम तगड़ा इसलिए है, आज सरस्वती साक्षात पधारी है, इसीलिए आज बारिश नहीं हुआ, इसलिए उन लोगों का रंग बिरंगी साड़ी तो किस लिए को नहीं दिखा पाएगा, इसीलिए आज मौसम भी थोड़ा तगड़ा हो रखा है। और बाकी हम लोग अभी बोटिंग करेंगे, बाकी देखेंगे क्या क्या कर सकते हैं आज का एक्टिविटी। तो थोड़ा अभी यहाँ पर बैठते हैं और थोड़ा सामने की नज़ारा की लुफ्त उठाते हैं। आप देख सकते हैं पानी पानी है कितना खूबसूरत, और बोटिंग करने का इरादा है, अभी देखते हैं बाकी क्या है। कुछ खाने का जुगाड़ करते हैं, क्योंकि मैं लंच नहीं किया, लंच नहीं करके मैं डायरेक्ट चला आया हूँ। तो थोड़ा खाने का जुगाड़ करते हैं, उन लोगों को भी भूख लगा है, खा के उसके बाद बाकी जो है देखेंगे क्या है। तो इधर से थोड़ा क्या है खाने में देखता हूँ पहले, उसके बाद उस पेटीज वगैरह भी लेना पड़ेगा, कारण आज तो वही होगा, दूसरा कुछ नहीं होगा, पेटीज चाउमीन वगैरह जो भी है सैंडविच। सो अभी हम लोग का चल रहा है लंच, मैं खाया नहीं लंच, इसीलिए मैं खा रहा हूँ अभी चिकन पेटीज इस झील के सामने बैठ के। तो ठंडा ठंडा हवा आ रहा है, काफ़ी मज़ा आ रहा है, हवा कुछ तेज़ी चल रहा है, तो हमारा जो है पेटीज उड़ के चला जा रहा है। तो अभी उस साइड जाएंगे, आप देख सकते हैं नज़ारा कितना भीड़ है, और रंग बिरंगी साड़ी साड़ी है चारों तरफ। यहाँ पे सामने जो आप लाइन देख पा रहे हैं, ये आपका बोटिंग का है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, और झील के अंदर काफ़ी लोग जो हैं बोटिंग कर रहे हैं, हम भी करेंगे सोच रहे हैं। और बाकी आप लोगों का कैसा लग रहा है वीडियो, वो भी मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए। पेट पूजा हो गया है, अभी हम लोग का यही से जो है जर्नी शुरू होता है आज का सरस्वती पूजा स्पेशल। जो है आज हम लोग आए हैं इको पार्क, और इको पार्क का जो है नज़ारा आप लोग ऑलरेडी थोड़ा बहुत देख चुके हैं, और बाकी और सारा नज़ारा देखने बाकी है। सीन तो आप देख सकते हैं ज़बरदस्त हो रखा है सीन, जितना फूल उस तरफ खिला हुआ है उससे ज़्यादा फूल तो यहाँ पर चलता फिरता दिख ही रहा है आप लोगों को, चल गए हैं। और बाकी आप देख सकते हैं फूल, तो ये मौसम ही ऐसा है फूल खिलने वाला, चारों तरफ फूल ही फूल आप दिखेंगे। ये तो शुरुआत है, आगे और भी देखेंगे, आप लोग वीडियो पे बने रहिएगा, मैं आप लोगों को दिखाऊंगा पूरा जो है आज इको पार्क का जर्नी। और अभी हम लोग फिलहाल जा रहे हैं रोज़ गार्डन, तो रोज़ गार्डन में आप देख सकते हैं कितना तरह का रोज़ जो है खिला हुआ है फिलहाल, उस तो आप लोग देख ही चुके हैं चारों ओर, तो रोज़ बिखरा पड़ा हुआ है, आप देख सकते हैं वो लोग वहाँ पर उस साइड में फ़ोटोशूट करा रहे हैं। सो यही से रोज़ गार्डन का एंट्री लोगों को दिखाता है आज का रोज़ गार्डन का, तरह तरह का रोज़ यहीं पे देख सकते हैं, रेड रोज़ इस साइड में भी रेड रोज़ है, और आगे आप देख सकते हैं वाइट रोज़, ये तो वाइट रोज़ का गार्डन, पीछे आप देख सकते हैं रेड रोज़, आगे भी है रेड रोज़, और उस साइड में येलो है, और तीन कलर भी है, बाकी आप लोग दिखाते हैं जाते जाते। येलो रोज़ है, प्योर येलो है, इस साइड में थोड़ा एक तो आपका पिंक कलर का भी है, और इस साइड में प्योर वाइट। तो काफ़ी बड़ा गार्डन है, रोज़ गार्डन है, आप देख सकते हैं यहाँ पे थोड़ा दूसरे टाइप का भी रोज़ है, इसका कलर मुझे पता नहीं, और इस साइड में पिंक रोज़ एक साथ सब मिक्स है। सो अभी खिल रहा है, अभी सीजन है फूल का, आप देख सकते हैं कितना सारा फूल है, और बाकी आप यहाँ का नज़ारा, और बाकी हम लोग का टीम। तो यही तक ख़त्म हो जाता है रोज़ गार्डन, तो आप देख सकते हैं उस साइड से लेकर यहाँ तक आपका पूरा रोज़ गार्डन है। तो अभी वाटर अभी चालू नहीं हुआ है, शाम को चालू होता है, अभी हम लोग जाएंगे उस साइड में,
उस साइड में जाके देखेंगे क्या है। हम लोग अभी यहाँ पे थोड़ा बैठेंगे और थोड़ा हम देख सकते हैं कितना खूबसूरत है यहाँ पे। हम पिछली बार जब आए थे यहाँ पे बैठ के हम लोग जो है थोड़ा खाना पीना कर रहे थे। इस साइड में आप देख सकते हैं काफ़ी बेहतरीन, यहाँ से फ़ोटोशूट करा रहे हैं और बाकी यहाँ पे फूल का लाइन है बराबर सा। अभी थोड़ा हम लोग यहाँ पे बैठेंगे, बैठ के थोड़ा चिल मारेंगे, फिर उस साइड जाएंगे, जाके देखेंगे उस साइड का नज़ारा कैसा है। मे आई हेल्प यू? सो अभी हम लोग ऑलरेडी वहाँ पे थोड़ा बहुत हम लोग बैठे थे, बातचीत कर रहे थे, अभी हम लोग जा रहे हैं उस साइड में। तो सामने आप देख सकते हैं बारिश का जो है, अभी धूप में बारिश का जो है लुक देने के लिए एकदम धीमे धीमे जो है बूंद गिर रहा है एकदम पतला सा, तो काफ़ी मज़ा आता है। तो अभी नीचे से जाएंगे, लेकिन मेरा GoPro का भी वाटरप्रूफ केस में लेके नहीं आया, फिर भी ये वाटरप्रूफ है विदाउट केस भी, जितना आपका आ रहा है इससे कुछ नहीं होगा। अभी फिलहाल सुपर वाइड में शूट हो रहा है, तो सुपर वाइड कैसा आ रहा है मुझे बताइए। तो ऑलरेडी हम लोग का 2 घंटा हो चुका है इको पार्क में आए हुए हैं, बट अभी तक हम लोग 3 भाग का 1 भाग भी एक्सप्लोर नहीं किया हूँ। तो इतना बड़ा है टोटल जो है 195 हेक्टर में पूरा इको पार्क जो है फैला हुआ है, लगभग 1400 बीघा, काफ़ी बड़ा है जो है इको पार्क। तो अभी सुपर वाइड में जो है वीडियो शूट हो रहा है, कैसा आ रहा है पीछे का जो है बैकग्राउंड और मुझे बताइए आप लोग, और बाकी आप सीन देख सकते हैं। तो हम लोग अभी दूसरा लोकेशन पे आ चुके हैं, तो यहाँ पे छोटा सा आपका लेक है, उसकी उस साइड में जो है आपका एक छोटा सा रेस्टोरेंट है, तो काफ़ी लोग वहाँ पर खाना पीना कर रहे हैं, और लोग जो है ना हद से ज़्यादा लोग आया हुआ है। और हमें उस सरस्वती पूजा जो है नेक्स्ट आपका पहले जो आया था, तो इसी में हम लोग बैठ के बातचीत कर रहे थे, बट अभी 1 साल ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है। और आप सीन देख सकते हैं कितना लोग है, काफ़ी लोग आया हुआ है। तो और क्या ही बताए, आप लोग देख ही चुके हैं, ये थोड़ा आपका जो है फॉरेस्ट साइड है इस साइड, और उस साइड में भी आपका पार्क है, और उसके उस साइड में जो है मेरा पिछले वाला वीडियो जो कोई भी देखा है 7 अजूबा 7 अजूबा उस साइड में है। तो अभी हम लोग दूसरे साइड में हैं, ये बिल्कुल जो है अलग साइड है। तो इको पार्क में वहाँ पे एक एक्साइटिंग कुछ बन रहा है, बट अभी तक कंप्लीट हुआ नहीं है, काफ़ी टाइम से बन रहा है। तो इको पार्क में यदि बन रहा है तो कुछ एक्साइटिंग ही बनेगा। बोटिंग करने का मन था, बट इतना भीड़ है इसीलिए हम लोग बोटिंग नहीं कर रहे हैं। तो बोटिंग का उस साइड में है, बट यहाँ पर एक छोटा सा लेक है, तो यहाँ पे भी बोटिंग हो रहा है, बट हम नहीं करेंगे आज बोटिंग। सो अभी हम लोग दूसरे लोकेशन पे आए, तो अभी यहाँ पे पहली बार आ रहा हूँ मैं, जितना बार भी आया था बट इस साइड में मैं नहीं आया। इकोनिया गार्डन, तो इसके अंदर हम पहली बार जा रहे हैं, तो इससे पहले नहीं गया था, तो जाते हैं अंदर, अंदर जाके देखते हैं अंदर का क्या सीन है और क्या क्या है यहाँ पे नया देखने को। वो जो वॉल में जो चिपका हुआ गार्डन है, तो हम पहले उस साइड में गया था बट आप लोगों को नहीं दिखाया, जाते टाइम वहाँ पर भी जाएंगे, अभी फ़िलहाल यहाँ पे आया हूँ, ये मेरे लिए न्यू है क्योंकि मैं इससे पहले नहीं आया। और इसकी पीछे जो आप पेड़ देखो, उसके पीछे जो है गोल्फ जो है एरिया है, वहाँ पर गोल्फ खेला जाता है। तो अभी इस साइड में आया हूँ, देखता हूँ यहाँ का सीन किस तरह रहता है, और बिल्कुल नया है मेरे लिए। तो कौन सा साइड जाओगे, इस साइड ना इस साइड? सामने छोटा सा आपका जो है लेक है, और इस साइड में पानी बहता था पहले, बट अभी बंद है। वो जो है आप देख पा रहे हैं सामने जो वॉल है पहाड़ जैसे, वहाँ से पानी बहता था, अभी बंद है। अभी देख सकते हैं खूबसूरत सा एक छोटा सा लेक है, उसकी बीच में जो है एक आइलैंड बना हुआ है, तो 2 साइड में सीढ़ी है वहाँ जाने के लिए। तो फिलहाल अभी बंद है, तो देखेंगे उस साइड जाके उस तरफ क्या है। तो अभी हम लोग यहाँ पे थोड़ा बहुत फ़ोटोशूट करवा रहे हैं, और सुपर वाइड में वीडियो ठीक ठाक आ रहा है कि नहीं, और मुझे बताइए क्वालिटी कैसा आ रहा है सुपर वाइड में, अभी प्योर सुपर वाइड में है। जैसे कि आप लोगों को बताया था इस साइड में गोल्फ फील है, गोल्फ अमीरों का खेल, तो इस साइड में आपका गोल्फ फील है पूरा जो है, काफ़ी दूरों से फैला हुआ है इस साइड से लेकर इस साइड में। देख सकते हैं गेट है, गेट में काफ़ी सारा खूबसूरत फूल लगा हुआ है, और इस साइड का सीन तो काफ़ी तगड़ा हो रखा है। देख सकते हैं चारों तरफ पानी है और बीच में एक छोटा सा आइलैंड, तो अभी जा नहीं सकते क्योंकि बंद पड़ा हुआ है। मज़ा आ गया, इतने साल से मैं कोलकाता में हूँ बट इस साइड में पहली बार आया हूँ मैं। उस साइड काफ़ी मैं घूम चुका हूँ, पूरा इको पार्क ऑलमोस्ट मैं घूम चुका हूँ। ये है बाकी था ये सेक्शन, तो आज कंप्लीट हो चुका है, इनके लिए कुछ बचा नहीं है इको पार्क में।
चार साल से ही देख रहा हूँ, तो डेवलप हो रहा है और आगे भी होगा। तो अभी ये लोग इस गेट के सामने फ़ोटोशूट करवा रहे हैं, तो काफ़ी तगड़ा वाला फ़ोटो आ रहा है और मौसम भी ऐसा ही है। फ़ोटो यहाँ से होते हुए हम उस साइड जाएंगे, जाके फिर वहाँ से हम लोग चला जाएंगे हाईवे पे, वहाँ से फिर हम लोग बस पकड़ के निकलेंगे रूम के लिए। तो अभी हम लोग दूसरे लोकेशन पे आ गया है और यहाँ का क्राउड आप देख सकते हैं, काफ़ी हद से ज़्यादा क्राउड हो रखा है। तो यहाँ पे थोड़ा एरिया है आपका, खुला एरिया है, तो सबको आके यहाँ पे बैठा है। तो अभी जाएंगे उस साइड में, तो वहाँ पे एक छोटा सा झरना है, आर्टिफिशियल झरना है, ऐसा ही नेचुरल नहीं है। तो बाकी हम इनकी बीच में से होते हुए जाएंगे उस साइड में, आप लोगों को दिखाते हैं कैसा है। कैसा लगा आज का सरस्वती पूजा स्पेशल इको पार्क में आके? पहले का कैमरा फ्रेंडली नहीं है, तो मैं भी पहले नहीं था कैमरा फ्रेंडली, बट कॉन्फिडेंस लेवल धीरे धीरे जो है गेन कर रहा हूँ। बट अभी ये लोग जो है कैमरा के सामने इतना बातचीत नहीं कर पाते हैं, शर्माता है। तो हेलो ब्लेम कर रहे हो, ठीक है। एक ज़माने पे मैं भी ऐसा ही था, कैमरा के सामने बातचीत करना मुझे बिल्कुल नहीं आता था। अभी धीरे धीरे आ रहा है, कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ रहा है, लोगों के सामने वीडियो करना जो है पॉसिबल हो पा रहा है धीरे धीरे, बाकी और आगे भी इम्प्रूव होगा। तो मैं फर्स्ट टाइम इतना जो है पब्लिक के सामने मैं वीडियो शूट कर पा रहा हूँ, क्राउड में मैं वीडियो शूट बिल्कुल नहीं किया था और मैं अब से आई कॉन्टेक्ट कैमरा फ्रेंडली नहीं था। अरे फर्स्ट टाइम जो है मैं इतना लोगों के सामने मैं वीडियो बना रहा हूँ, थोड़ा धीरे धीरे कॉन्फिडेंस लेवल जो है बढ़ रहा है, फिर भी और जो है कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा। ये फर्स्ट टाइम इतना एक्सपीरियंस मैं कर रहा हूँ, लोगों के सामने वीडियो ब्लॉगिंग कर रहा हूँ, मज़ा आ रहा है वैसे। तो अभी हम लोग एग्ज़िट लेंगे यहाँ से, तो यहाँ से एग्ज़िट है 3 नंबर गेट, तो यहीं से हम लोग अभी एग्ज़िट लेंगे, एग्ज़िट लेके फिर रूम के लिए जाना पड़ेगा। तो बाकी हम लोग पीछे आ रहे हैं, तो थोड़ा यहाँ पे वेट कर लेते, तो यहीं से एग्ज़िट होकर हमें उस साइड जाना पड़ेगा, और जो आपको दिख पा रहे हैं हाईवे, उस साइड जाके हमें फिर बस पकड़ के जाना पड़ेगा रूम के लिए। लोग ऑलरेडी एग्जिट हो चुके हैं। ये जो आपका पार्किंग लॉट है, तो ये आपका पूरा बाइक पार्किंग लॉट है। तो अभी हम लोग का रूम जाएंगे, तो आई होप आप लोग का इसका वीडियो अच्छा लगा, अच्छा लगा तो एक लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पे पहली बार तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा प्लीज़। आप लोगों से एक ही गुजारिश है, सिर्फ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बाकी आप लोगों को मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।